मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर देखते आज की कुछ खास खबरें। चार दिन बंद रहेगा खरीदी बिक्री कार्यालय। अमरावती विधानसभा चुनाव में अचानक उपनिबंधक कार्यालय के तीनों विभागों के अधिकारियों समेत कनिष्ठ लिपिकों की ड्यूटी लगाए जाने से खरीदी बिक्री के लिए आने वाले दूर दराज के लोगों को बेरंग वापस लौटना पड़ रहा है। विशेष बात यह है कि कई महीनों से चुनाव विभाग का मैन पावर का नियोजन जारी था, बावजूद समय पर सब रजिस्टर की ड्यूटी लगाए जाने से चार दिनों तक खरीदी बिक्री कार्यालय बंद रहने का नोटिस जारी है। तीनों रजिस्टर कार्यालय चपरासी के भरोसे ही छोड़े जाने से लोगों में चुनाव विभाग के ऐसे नियोजन को लेकर हैरत व्यक्त करते हुए आपत्ति जताई जा रही है। एक कार्यालय शुरू रखना जरूरी, विधानसभा चुनाव है, वोट देने का अधिकार जैसे सभी का है, उसी तरह कार्यालय शुरू रखकर नागरिकों को प्रताड़ित ना होना पड़े, इसका ध्यान भी चुनाव विभाग को रखना चाहिए। एक साथ तीनों खरीदी बिक्री कार्यालय बंद रहने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। मुंबई से खरीदी के लिए आए लोग, लेकिन अब चार दिनों तक कार्यालय बंद रहने से उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। पहले ही खरीदी का व्यवहार ऑनलाइन स्लो चल रहा था। चुनाव ने फेरा मकान फ्लैट पर पानी। अमरावती का उपनिबंधक कार्यालय जिले का मुख्य कार्यालय है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों समेत शहर के खरीदी बिक्री के व्यवहार किए जाते हैं, जिसके चलते आए दिन भीड़ लगी रहती है। दीपावली का त्योहार नजदीक आने से अधिकांश नागरिकों ने अपने खुद के आशियाने में दीपावली का त्योहार मनाने का सपना देखते हुए खरीदी नियोजन बनाया था, लेकिन चुनाव ने मकान पर पानी फेर दिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।